लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। ब्रेकिंग न्यूज, अगले 72 घंटे में इन 5 राज्यों में भारी तबाही मचाएगी बारिश। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि देश में वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है। पिछले एक हफ्ते से सुस्त पड़े मानसून ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। मुंबई में पिछले 36 घंटों से घनघोर बारिश हो रही है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। कुछ राज्यों के लिए अगले 72 घंटे काफी अहम हैं। तूफान, आंधी, भारी बारिश और ओलों से मुसीबत और भी बढ़ सकती है। पिछले एक हफ्ते से सुस्त पड़े मानसून ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। मुंबई में पिछले 36 घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही है। केरल, कर्नाटक, ओडिशा, असम और पश्चिम बंगाल में भी भारी बारिश से जनजीवन बेहाल है। इसके मद्देनजर मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। इसमें 5 राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, वहीं 13 राज्यों के लिए ऑरेंज चेतावनी जारी की गई है। देश की राजधानी दिल्ली में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अगले 4 दिन भारी मचाएगी तबाही। मौसम विभाग IMD के अनुसार मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन 5 राज्यों में 9 से 12 जुलाई के बीच अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और राजस्थान में भारी बारिश की संभावना है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य राज्यों में भारी बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। मध्य प्रदेश के लिए अगले 4 दिन खतरनाक हो सकते हैं। यहाँ कुछ इलाकों में ओलों के साथ तूफान आने की भी संभावना है। मुंबई में भारी बारिश से राहत न मिलने के आसार हैं। अगले 24 घंटों में मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गोवा के बड़े हिस्से में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। साथ ही रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं पूर्वी महाराष्ट्र, गुजरात और केरल में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।